ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तुमको अल्फा ऑफ स्टील दिया हुआ है, अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है, ठीक है। तो और तुमको वो भी दिया हुआ है, ये यंग्स मॉडुलस, यंग्स ऑफ मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम, बताओ क्या होगा। हाँ भाई, अरे बताओ कैसे अप्रोच करोगे। प्रतीक्षा सर, स्ट्रेन का फॉर्मूला लगा के y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके, फिर उससे आंसर आ गया। नहीं सर, एक मिनट कर रही हूँ। ओके, और शिवेन, शिवेन इसने पूछा है कि फाइनल इसका लेंथ कितना होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द सिस्टम व्हेन द टेंपरेचर इज रेज्ड बाय थीटा डिग्री सेल्सियस। सर हम वो टोटल स्ट्रेस अपॉन टोटल वाई लाइक यंग्स मॉडुलस करके तो निकाल सकते हैं टोटल स्ट्रेन उससे। फिर टोटल कैसे होएगा, मतलब ये कोई ऐसा थोड़ी है कि मतलब इसका एवरेज तुम कैसे निकालोगे। एवरेज थोड़ी ना निकालना है यार। सोचो सोचो सोचो, चलो करो एक सर बार। पहले इसका स्ट्रेन निकालेंगे सिस्टम का। हाँ हाँ चलो ठीक है, सॉल्व करो। अब तुमने एग्जाम के टाइम तो सॉल्व ने किया नहीं इसको। ओके अब बताओ क्या होगा। भाई एग्जाम टाइम में करना चाहिए था ना, ये तो तुम्हारे उसमें भी आया था, पार्ट टेस्ट में भी आया। कैलोरीमेट्री वाला मैंने इसलिए बता दिया कि भाई वो तुम्हारे एग्जाम में आया नहीं था, हो सकता है प्रैक्टिस कम हुई हो, लेकिन ये तो एग्जाम में आया था, थर्मल एक्सपेंशन तुमको आना चाहिए और आया नहीं है, तो अभी बताओ क्या आएगा। हमें निकालना है कि व्हाट विल बी द फाइनल लेंथ ऑफ द थ्री रोड्स, मतलब ये तीनों कंबाइंड है, इन तीनों का फाइनल लेंथ एक जैसा ही होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो जाए, तीनों का चिपकाया हुआ है। देखो अगर यहाँ पे सिर्फ ओनली दो रोड होती तो हमारा वो बन जाता ना बायोमेटलिक, तो वो ना कर्वेचर बन जाता, लेकिन यहाँ पे कर्वेचर बन नहीं सकता क्योंकि ऊपर भी स्टील है नीचे भी स्टील है, तो ये तीनों स्ट्रेट लाइन में ही रहेंगे। सर पहले दोनों के एक्सपेंशन की मतलब इक्वेशन लिखेंगे और फिर यंग्स मॉडुलस में डाल देंगे। फिर ओके सेपरेटली। ओके सर, फिर जो एल्युमिनियम का कोएफिशिएंट की जगह हम स्टील का लेंगे ना। क्यों? क्योंकि लाइक स्टील रॉड के हिसाब से वो बढ़ रहा है। नहीं ऐसा किसने बोला, हर कोई अपना अपना स्ट्रेस ना लगाएगा ना,
तीनों की जो फाइनल जो होने वाली है लेंथ वो तो अलग अलग होने वाली है. अगर तीनों रोड अपने इंडिपेंडेंटली होते तो तीनों का जो लेंथ आने वाला है वो अलग अलग होता. ठीक है, अभी सपोज इनका जो लेंथ है दैट इज एल नॉट, एल इसको मैंने बोल दिया एल नॉट. अगर स्टील वाला रोड मेरा इंडिपेंडेंटली होता तो इसका एक्सटेंशन इसका जो है फाइनल लेंथ है कितना हो जाना चाहिए था, ये वाला लेंथ ये हो जाना चाहिए था एल नॉट वन प्लस अल्फा ऑफ स्टील इनटू डेल्टा टी. अब इतना हो जाना चाहिए था ना फाइनली. यस सर. लेकिन सपोज फाइनली इतना नहीं हुआ, फाइनली जो मेरा जो सिस्टम है उसके ऊपर किसी ने फोर्स लगाया और वो यहाँ पे आके अटक गया सपोज ये, और फाइनल जो लेंथ है सिस्टम का सपोज वो मैंने बोल दिया एल, तो बताओ इसमें स्ट्रेन कितना हो गया. स्ट्रेन एल माइनस टू वैल्यू बाय एल नॉट भाई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेरा लेंथ होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, L not 1 plus alpha of steel into delta T minus L. इतना वो basically क्या हुआ ना compress हो गया ना ये वाला, और upon उस point पे जो इसका original length होना चाहिए वो कितना original length, L not 1 plus alpha S into, तो ये मेरे पास बन गया strain for steel. तो ये basically क्या बन जाएगा 1 minus L upon L not 1 plus alpha S into delta T. ये हमारे पास बन गया. वैसे ही तुम स्ट्रेन उसके लिए भी निकाल लोगे, क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम के लिए भी. yes. है ना एल्यूमिनियम भाई, ये जो स्ट्रेन है ये तो किसका हो गया, ये तो स्टील का हो गया. ऐसे ही अपने एल्यूमिनियम के लिए alpha. Alpha. उसके लिए क्या बन जाएगा 1 माइनस अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इनटू डेल्टा टी. ठीक है, अब लगा दो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. तीसरी वाली का नहीं लेना पड़ेगा क्या? नहीं, हाँ उसको अपने इनटू एंड टू कर देंगे ना, क्योंकि स्टील का रोड मेरे पास में दो है. भाई सारे के सारे जो फोर्स हैं वो बेसिकली उसको अपोज कर रहे हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कोई इसको सपोर्ट कर रहा है, दोनों को ही जो रॉड है वो कंप्रेस कर रही है. तो फाइनली बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल स्ट्रेन हमारे पास में ये बन जाएगा भाई, इसको कर देंगे इनटू टू क्योंकि स्टील हमारे पास में दो है, और जो यंग्स मॉडुलस हमारे पास क्या बन जाएगा, यंग्स मॉडुलस वाई एस वाई ए वाई एस, इन तीनों को ऐड कर देंगे. तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू यंग्स मॉडुलस हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि बाकी सब कुछ हमको दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है. और ये किसने भेजा क्वेश्चन नंबर 7? सर ये मैंने भेजा. ओके, क्या हुआ 7 में सर? इसमें ये इन ए कैलेंडर्स कॉम्पनसेटेड, ये क्या है यार? ये सर ये एचसीवी में था, द वॉल्यूम ऑफ द बल्ब यार. ये पहले इसका देखना पड़ेगा कि उसका प्रिंसिपल क्या है, क्या होता है ये. हाँ सर वो ही पूछ रहा था, ये क्या है सर? नहीं देखो, जो थर्मामीटर होते हैं वो हमारे पास में अलग अलग टाइप के होते हैं, एयर वाले थर्मामीटर भी होते हैं, प्रेशर वाले भी होते हैं, लेकिन हम उनको नहीं पढ़ते हैं, वो हमारे काम के नहीं होते हैं. तो ये उसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन दिया होगा, तो एक बार अगर उस थर्मामीटर को पढ़ लोगे तो तुमको उसका प्रिंसिपल पता लग जाएगा, और फिर उसके ऊपर हम अपने इक्वेशन लगा देंगे. तो इसको छोड़ दो, कोई वो नहीं है. ओके सर. तो ये जो क्वेश्चन अभी आपने किया उसमें स्ट्रेन पता है, यंग्स मॉडुलस पता है, स्ट्रेस आ जाएगा फिर. हाँ फिर ऐसा, हाँ इसके आगे क्या कर,
बस उसके बाद में एल की वैल्यू आ जाएगी। एक बार आप करके अबे थोड़ा तो मेहनत करो, है ना, तुमको हिंट दे दिया है, अब इसको करो, अगर तुमसे फिर भी नहीं होता तो फिर मैं बताता हूँ। भाई एग्जाम में आ चुका है ना टॉपिक यार, तो थोड़ा सा ऐसे अप्रोच करो, उसके बाद फिर अगर होता नहीं है तो फिर अगली क्लास के अंदर बताता हूँ फिर से। और कोई क्वेश्चन पेपर के अंदर का, कोई क्वेश्चन अगर किसी को कोई डाउट हो पेपर वाले क्वेश्चन में? हाँ भाई क्वेश्चन में कौन सा पेपर कैसा था, इजी था, डिफिकल्ट था? बाकी टाइम से इजी था, बाकी टाइम से इजी था। ओके बस शुरुआत के क्वेश्चन यूजुअली बहुत टाइम लेते हैं, इस बार नहीं लिए। ओके गुड, अच्छी बात है। सर ये वाले हाँ, में आंसर नहीं मैच हो रहा। कौन से में? इसमें क्या किया तुम? ओके एक क्वेश्चन था जिसमें दिया हुआ है कि एक स्मॉल बॉल है M, इसको एक इससे बांधा हुआ है, ये कैपिटल M और ये मेरे पास में ग्राउंड है, ये हाइट तुमको दी हुई है H, तुमसे क्या बोला है? और M का मास मुझे क्या दिया हुआ है? 4m ना, ये मेरे पास में 4m है। उसने पूछा है फाइंड द टाइम व्हेन द स्ट्रिंग बिकम टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, बताओ इसमें हो क्या रहा है, तुमने क्या क्या प्रतीक्षा? सर इसमें फ्रेम ले लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। हाँ सर 4m के फ्रेम से सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाता है। यस, और अगर तुमको को ग्राउंड फ्रेम में करना है तो देखो चीजें कैसे होंगी। यहाँ पे आ जाओ, पहले तो स्मॉल एम भी नीचे आएगा, कैपिटल एम भी नीचे आएगा, राइट? तो होते होते एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब एम यहाँ पहुंच गया है और यहाँ पे तुम्हारे पास पहुंच गया है 4m, राइट? यहां से लेकर यहां तक आने के अंदर कितना टाइम लगेगा? सर उस टाइम की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में लिखा है कि अगर नीचे स्ट्राइक हो जाए उसके बाद कितना टाइम लगेगा कि अच्छा उस चलो ठीक है उसके बाद का पूछा है तो इसको भूल जाओ। अब जब ये दोनों स्ट्राइक कर रहे हैं तो इनका स्पीड कितना हो जाएगा? इसका स्पीड यहाँ की तरफ होगा √2gh और जस्ट आफ्टर द कोलिजन, इसे इलास्टिक कोलिजन दिया है, इसका ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा? √2gh, स्पीड सेम रहेगा। ओके इसको मैंने बोल दिया t=0। अब बात करते हैं, अब देखो इसके बाद में ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा तो यहां कहीं इनका क्या हो जाएगा? अपना कोलिजन हो गया, राइट? निकाल लोगे कितनी देर बाद में कोलिजन होगा? यहां से लेकर यहां तक आने के लिए कितना लगा टाइम? देखो उनका का रिलेटिव जो अपना डिस्टेंस है वो तो हो गया एल और उनका रिलेटिव स्पीड कितना हो गया? 2 √2gs, तो इसको मैंने बोल दिया t1, तो t1 कितना बन जाएगा? l अपॉन 2 √2gl, ये हो गया, ठीक है? इसका स्पीड भी यहां की तरफ, इसका स्पीड भी यहां की तरफ, स्पीड निकाल लोगे कितना आएगा? हाँ भाई सर नीचे l क्यों आ, h ही रहेगा ना? नहीं ना एल आएगा ना यार, अच्छा हाँ वो तो स्पीड वाला है, हाँ ऊपर वाला वो तो एच ही रहेगा, ये टाइम होगा। अब देखो अब इनका वो निकाल लो कि आफ्टर कोलिजन इनका स्पीड कितना हो गया, एक मास m है, एक मास है 4m, अगर इनके बीच में इलास्टिक एंड कोलिजन हो रहा है, दोनों पार्टिकल अप्रोच कर रहे हैं तो क्या होगा? रिलेटिव स्पीड सेम रहेगा ना क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। तो इससे भी अच्छा तरीका क्या है कि तुम अपने ऑब्जर्वर को इसके ऊपर बिठा दो, ठीक है? अगर ऑब्जर्वर मेरा 4m के ऊपर बैठा है
तो ये जो तुम्हारा पार्टिकल है इसका यहाँ की तरफ स्पीड कितना हो जाएगा रिलेटिव, 2 into √2gh, तो ये यहाँ पे आएगा, इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, L, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसके रेफरेंस फ्रेम में उसका वेलोसिटी इतना ही होना चाहिए, तो जब वापस जाएगा तो भी कितना होना चाहिए, 2 into √2gh, और स्ट्रिंग तुम्हारे पास कब हो जाएगी टॉट, जब वापस वहीं पहुंच जाएगा, बस। तो एब्सोल्यूट से करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तुमको स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी, तो ठीक है सर। टेस्ट में एब्सोल्यूट वाला ही ट्राई कर रहा था, उससे हुआ नहीं। हाँ तो एब्सोल्यूट वाले से काफी लंबा पड़ जाएगा क्योंकि तुम यहाँ पे स्पीड निकालोगे, तो अगर लिखना है तो हाँ तो ऐसे लिखोगे कि √2gh + g × t1, इसको लिखो, ये तो हो गया नीचे की तरफ, इसको ऊपर लिखो √2gh − g × t1, उसको वन कैलकुलेट मत करो, अगर ऐसे करोगे तो फिर भी थोड़ी कैलकुलेशन तुम्हारे पास में आसान हो जाएगी। सर इसी को सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कर सकते हैं, उससे क्या होगा, मतलब उससे कुछ मैं हेल्प नहीं मिलेगी ना सर, ट्राई कर रहे थे बट गया नहीं वो पूरा। हाँ तो उसके अंदर कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई चीज ही नहीं बन रही है। वो जनरली अपने स्प्रिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उसके अंदर काम में ले लिया करो, वहां पे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलो यार अभी अपने वाला करें, काफी टाइम निकाल दिया डाउट में। कहाँ था मैं, कहाँ किया, हाँ तो लास्ट क्लास में हमने कहां तक किया था, याद है कोई बताओ भी। तो वो T versus X का ग्राफ बनाया था यूनिफॉर्म, T versus X का। हाँ, तो आज अपन करते हैं अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला जो आता है क्या होता है, पहला कॉम्बिनेशन सीरीज, क्या मतलब होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, देयर आर टू कंडक्टर्स, वन कंडक्टर इज दिस, ठीक है, वन कंडक्टर इज दिस, इसका रेजिस्टेंस आर वन, इसका रेजिस्टेंस आर टू, सपोज इसका कंडक्टिविटी के वन, इसका कंडक्टिविटी के टू, सपोज इसका लेंथ एल वन, इसका लेंथ एल टू, और अपना क्रॉस सेक्शन एरिया सेम मान लो एक बार के लिए, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा। तो पहले तो इक्विवेलेंट का डेफिनेशन बनाते हैं, क्या होगा इक्विवेलेंट का डेफिनेशन, कौन बताएगा, इन दोनों को रिप्लेस करके मैं किसको रखूं, L1 plus L2 का रॉड, ओके, तो मैंने रखा L1 plus L2 का एक वो रखा रॉड जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो तो A ही है, और कंडक्टिविटी इसकी बोल दी K इक्विवेलेंट, लेकिन उससे पहले ये बताओ ना कि इन दोनों का इक्विवेलेंट वो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट का डेफिनेशन क्या बनेगा, जब हम कंडक्शन की बात करते हैं चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर अपना ना ये हो अपना थर्मल कंडक्टेंस, दोनों में इक्विवेलेंट का डेफिनेशन मतलब होता है इन दोनों को हटा के एक और मैं ना रेजिस्टेंस लगा दूं एंड हीट करंट इन द सर्किट शुड बी सेम। हाँ शुड बी सेम एज बिफोर। बेटा जो भी अपने इक्विवेलेंट की अब डेफिनेशन होती है हर जगह अलग अलग होती है ना, तो जैसे तुम्हारे पास में एक सर्किट है, सपोज ये तुमने ये लगा दिया बल्ब लगा दिया, ठीक है, एक तुमने यहाँ पे ये कुछ अपने और लगा दिया, ये तुमने पंखा लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे तुमने लगा दिया बैटरी, ठीक है। अब देखो अब तुमने सेम चीज अब तुमने यहाँ पे एक ये लगा दिया, सपोज अपना AC लगा दिया,
ये बल्ब और फैन एसी के इक्विवेलेंट कब हैं? मान लो इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, और इसका रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया R1 plus R2, तो क्या एसी बल्ब और एसी के इक्विवेलेंट है? सर लाइक जब उन सब से सेम करंट पास, सेम करंट ड्रॉ हो रहा है। यस, तो जो इक्विवेलेंट का जो डेफिनेशन है वो यही है कि चाहे मैं इनको लगाऊं दोनों को, चाहे मैं सिंगल को लगाऊं, सर्किट में जो करंट की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। तो सीरीज में अगर मैं एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दूं जिसकी वैल्यू R1 plus R2 है, तो मैं कहता हूं कि सर्किट में करंट की वैल्यू सेम रहती है, इसीलिए सीरीज के अंदर जो हमारा इक्विवेलेंट आता है उसको हम क्या फॉर्मूला हो जाता है, R1 plus R2। उस केस के अंदर जो हीट ट्रांसफर का जो रेट जो है दैट विल बी सेम। अगर मैं यहां पे पूछूं कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, तो अब मेरा डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास में सिस्टम है वैसा ही है दिखने वाला, जिसके फिजिकल डायमेंशंस सेम हो, वैसा ही है दिखने वाला। अगर मैं एक और सिस्टम लेके आऊं, तो अगर मुझे फिजिकल डायमेंशन सेम करने हैं, तो जो रॉड बनेगा उसका कितना लेंथ होना चाहिए, एल वन प्लस एल टू, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए, ए। अब इसका जो रेजिस्टेंस है और जो ऊपर वालों का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, सेम। तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A, ये लो इतना बन गया ना। और इसका रेजिस्टेंस कितना बनेगा, इसका लेंथ कितना है, L1 प्लस L2, इसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, K इक्विवेलेंट, क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही, दिखने में एक जैसा लगना चाहिए। तो यहां से के इक्विवेलेंट का डेफिनेशन क्या बन जाएगा भाई, अपना एरिया कैंसिल, तो L1 प्लस L2 है ना, क्या बन जाएगा के इक्विवेलेंट, 1 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। समझ में आया भी डेफिनेशन क्या है इक्विवेलेंट का? तो जो इक्विवेलेंट का डेफिनेशन है वो हर जगह अलग अलग होगा, तुमको देखना पड़ेगा कि तुमको क्या चीज फाइंड करनी है। अगर सेकंड कॉम्बिनेशन में लेता हूं पैरेलल, क्या होता है पैरेलल का मतलब, रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे रेजिस्टेंस आर वन, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2, इसको बोलते हैं पैरेलल। मतलब कि दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर मैंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, इसका वोल्टेज मैंने बोल दिया V, तो सर्किट में जो करंट जा रहा था वो जा रहा था I, तो इसका इक्विवेलेंट मैं इसको बोलता हूँ कि इसको हटा के एक मैंने ऐसा रेजिस्टेंस लगा दिया कि उसी बैटरी को अगर मैं लगाऊं तो सर्किट में उतना ही करंट जाना चाहिए, तो मैं इक्विवेलेंट बोलता हूं। तो बताओ यहां पे क्या बन जाएगा पहले वाले में, सपोज यहां से आई करंट गया, तो यहां पे गया मान लो आई वन, यहां पे गया आई टू, तो अगर इसमें ये जो पॉइंट है इसके इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, जितना इसका, तो जीरो, क्योंकि इसका जीरो है, इसका वी, तो आई वन की वैल्यू क्या बन जाएगी, V by R1, और I2 की वैल्यू V by R2, तो I बन जाएगा V 1 by R1 upon 1 by R2। इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, मतलब कि अपने करंट की, V by R equivalent। तो by definition of equivalent मैं क्या कहता हूं कि दोनों जो करंट हैं बैटरी से जो करंट विड्रॉ हो रहा है दैट हैज टू बी सेम, तो क्या बन जाएगा भाई, 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2। सही है अभी? Yes. Yes, okay. अब मैं इसको यहां पे लेके आता हूं अपने थर्मल वाले में। थर्मल वाले में सपोज मैंने क्या किया, एक वॉल ये है, एक वॉल ये है,
इसका टेम्परेचर टी वन, इसका टेम्परेचर टी टू. मैंने दो वो लगाई है रॉड, पहली रॉड ये लगा दी, इसका लेंथ एल, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सपोज मैंने बोल दिया ए वन, इसका जो कंडक्टिविटी है दैट इज के वन. इसके बाजू में एक रॉड मैंने और लगा दिया ये वाला, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए टू और कंडक्टिविटी के टू. तो पहले बताओ यहां पे देखते हैं आर वन क्या होगा, आर वन एल अपॉन के वन ए वन, आर टू क्या होगा एल अपॉन के टू ए टू. व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट एंड रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों को हटा के मैं कौन सा ना रेजिस्टेंस लगा दूं कि हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो सेम रहे. सर वो तो फिर K1 A1 plus K2 A2, ठीक है A1 तो plus मैं बोलूंगा 1 upon R equivalent equal to बन जाएगा 1 upon R1 plus 1 upon R2, ठीक है. तो जो जो भी आएगा यहाँ पे वो अपने आ जाएगा. लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज सपोज ए वन प्लस ए टू, क्योंकि अब मुझे निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कि अगर मुझे एक ऐसा रॉड बनाना है जिसके फिजिकल डायमेंशन पहले वाले के जैसे ही हो तो उसका कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, तो बताओ क्या बनेगा. तो बोलूंगा इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसका इनवर्स क्या होगा, ये होगा ना के इक्विवेलेंट एरिया कितना है ए वन प्लस ए टू अपॉन एल शुड बी इक्वल टू, इसके रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा के वन ए वन अपॉन एल वन, सेकेंड वाला ए टू अपॉन एल. सर बट एल वन ए टू तो सेम है. हाँ सेम. तो यहां से क्या बन जाएगा के इक्विवेलेंट के वन ए वन प्लस के टू ए टू अपॉन A1 plus A2. अब देखो एग्जाम में तो कोई तुमसे ऐसी चीजें कहते हैं पूछता नहीं है कि बताओ के इक्विवेलेंट क्या होगा, हमको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि क्या होता है, क्या मालूम आ जाए तो ये बता दे. इतना तुमको पहले से भी आता है कि ऐसा कैसे करते हैं, ठीक है. तो चलो थोड़े से इसके ऊपर वो करते हैं, क्वेश्चन करते हैं. इक्विवेलेंट ही फाइंड आउट करने वाला, तो हमने एक तो कर लिया था जिसके अंदर यूनिफॉर्म हमारा वो था के, और वेरिएबल वाला किया था हमने, अगर कंडक्टिविटी हमारी वेरिएबल हो तो. हाँ आपने बस बताया था बेसिकली, सर किया नहीं, तो किया नहीं था ना. तो चलो अपने सीरीज सर ऊपर जो था सर ऊपर आपने जो दो रॉड को कांटेक्ट में रखा था उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा क्या? नहीं, जो हमारा हीट ट्रांसफर का जो है ना डायरेक्शन वो ये है, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो हमारा टेम्परेचर रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि वो उसमें पैरेलल में है ना दोनों. हां तो पैरेलल में जो अपना ना पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. जैसे अभी अभी तुमको एग्जांपल देता हूं ना समझने आ जाएगा. तो पहले अपन सीरीज वाले करते हैं. सपोज एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, इस क्वेश्चन के दो पार्ट करेंगे, इसका टेम्परेचर T1 इसका टेम्परेचर T2, ठीक है. एक रॉड एरिया इसका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एरिया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एल, तो इसका लेंथ हमारे पास में एल हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज मैंने बोल दिया ए. अब अगर कंडक्टिविटी कांस्टेंट होती तो तुम क्वेश्चन है ना कर ही लेते यार, कोई दिक्कत ही नहीं थी. अब मैं बोल रहा हूं कि कंडक्टिविटी कांस्टेंट नहीं है, केस वन कंडक्टिविटी के इज के नॉट वन प्लस एक्स बाई एल, ये हमारे पास कंडक्टिविटी है, ठीक है. तो हमें क्या निकालना है, फाइंड टेम्परेचर एज फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है. ये तो हो गया पार्ट वन. सेकेंड इसी के अंदर अपने इतने स्पेस में आ जाएगा. चलो पहले इसको करो,
फिर उसके बाद में दूसरा केस बताता हूँ। कैसे करेंगे आइडिया बताओ। खुशी यस सर मैं कर। हाँ बताओ क्या करोगे। पार्थ इसको इनफिनिट स्मॉल पीसेस में डिवाइड करेंगे। एक सेकंड में आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। सर इसको इनफिनिट स्मॉल पीसेस में डिवाइड करेंगे, फिर वो जो सीरीज वाला है वो लगाएंगे। सीरीज वाला, क्योंकि देखो कैसे, तो पहले तो तुमको ये आइडेंटिफाई करना है सीरीज में है कि नहीं। तो मैंने यहाँ एक एलिमेंट लिया, मैंने यहाँ एक एलिमेंट लिया, मैंने यहाँ एक एलिमेंट लिया। जो हीट यहां से गई है उतना ही हीट यहां से गया है, उतना ही हीट यहां से गया है। तो मैं कह सकता हूं कि सारे के सारे एलिमेंट किसमें हैं, सीरीज में हैं। ठीक है, तो पहले क्या करता हूं कि मैं इसका इक्विवेलेंट वो निकालता हूं रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। सिंपली भाई एडिशन करना है ना, तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया डी एक्स यहां से एक्स एन डिस्टेंस पे जाके, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, लेंथ है उसका dx, उसका कंडक्टिविटी कितना है, कंडक्टिविटी k नॉट l प्लस x और ऊपर चला जाएगा l इनटू a, ये है। तो सपोज मैंने कुछ पॉइंट्स बोल दिए, मैंने इस पॉइंट को बोला a, इस पॉइंट को मैंने बोला b, इस पॉइंट को मैंने बोला c। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ रेजिस्टेंस a टू b। अगर मैं a टू b निकालूंगा तो मेरे पास l अपॉन के ए, ठीक है, यहाँ पे बनेगा एल एन एक्स प्लस एल। यहाँ पे लिमिट क्या आएगी, जीरो से x, है ना। अभी मैं वो निकाल रहा हूँ अपना a टू b, तो ये बन जाएगा l अपॉन के नॉट a। तो पहले डालूंगा x फिर डालूंगा जीरो, तो क्या बन जाएगा एल एन x प्लस एल अपॉन एल। और वैसे ही अगर मैं निकालूं r इक्वल टू a टू c, मतलब कंप्लीट जो रोड है उसका रेजिस्टेंस, तो क्या बन जाएगा l अपॉन k नॉट a ln ln 2 x प्लस x अपॉन 2l, ये बन गया। अब हो जाएगा क्वेश्चन, तुम बोलोगे कि dq बाई dt, जो dq बाई dt a से b है वही dq by dt a to c है। और क्या होता है dq by dt, temperature difference upon ये। तो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, सपोज मेरा temperature जो t2 है वो मान लो हायर है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे अपने a to b में, temperature of b minus temperature of a upon rab should be equal to temperature of c minus temperature of a upon rac। अब हो जाएगा, yes, sir. Yes, sir. किसी को प्रॉब्लम कुछ नहीं, इसके बाद में हमारा आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब हमको पता है कैसे करना। ठीक है, नाउ यू कैन डू इट योरसेल्फ। अब इसी के अंदर अपना एक और वेरिएशन, सेम रोड, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू l, इसका टेम्परेचर t1, इसका टेम्परेचर t2, क्रॉस सेक्शन एरिया a। तुमको दिया हुआ है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो स्टेप से वेरी कर रही है, कि k इक्वल टू k नॉट वन प्लस t अपॉन t नॉट। ये थर्मल कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब बताओ अब क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ एनी पॉइंट,
या फिर तुमको सिर्फ इतना दिया हुआ है, तुम बस इतना बता दो कि व्हाट इज दैट dq / dt. S2, फाइन, dq / dt क्या होगा, बताओ बताओ बताओ. dq by dt delta t kl by kya delta t into k upon l bhai lekin hamara conductivity to variable hai na yaar uske andar wo aa raha hai na t aa raha hai t is the temperature of any point ha sir to t t aur dt hai na ek baju mein aur dusri side ko integrate kar dena q ke liye हाँ यस. तो हमने क्या किया, हमने यहां से जाके एक ये ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया. ये जो एलिमेंट है सपोज इसका जो मैंने ये ले लिया डिस्टेंस ले लिया dx, इसके अक्रॉस का जो अपना टेम्परेचर डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस वो सपोज मैंने ले लिया dt. इसमें जो हीट ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, तो उसमें मैंने लिखा dq by dt should be equal to क्या होना चाहिए dt upon इसका रेजिस्टेंस कितना होगा. हाँ भाई उसका रेजिस्टेंस वो हो जाएगा dx upon ka, राइट ka तो k ऊपर चला जाएगा, k कितना है k not 1 plus t upon t not into a. और ये जो dq by dt है सपोज इसको मैंने बोल दिया i, वेयर i इज कांस्टेंट क्योंकि करंट इज कांस्टेंट एवरीवेयर. ठीक है अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा dt, ठीक है क्या बनेगा भाई इसके इंटीग्रल फॉर्म, तो k not t not ये तो कांस्टेंट हो गया, अंदर बचेगा t नॉट प्लस t इंटू डी टी इक्वल टू आई इंटू डी एक्स. यहाँ पे तुम्हारा ये भी आ जाएगा एरिया भी. अब इंटीग्रेट कर देंगे, जब x की वैल्यू जीरो है मतलब तुमने स्टार्टिंग पॉइंट पे कितना टेम्परेचर है t1, फाइनल टेम्परेचर t2 जब x की वैल्यू l है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे हमारे पास में i की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है अरे कर लोगे किसी को प्रॉब्लम कुछ नहीं सर कर लेंगे. कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो बता दो, इंटीग्रेट करके भी दिखा देंगे यार. k नॉट अपॉन t नॉट a ये बन जाएगा t नॉट प्लस t का स्क्वायर बाय 2 लिमिट t1 से t2 इक्वल टू i इनटू यहाँ पे आएगा ये L, तो उस L को यहाँ पे ले आओ तुम्हारे पास ये I और I मेरे पास में dq by dt. चलो और आ जाओ है ना सीरीज में. सपोज तुम्हारे पास कुछ ऐसा कुछ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है तुमको, अभी सर्कुलर है जैसे वो होता है ना अपना कोन जो होता है उस कोन के आगे वाले पार्ट को हल्का सा काट दिया और ये कुछ ऐसा बना दिया, ये कुछ ऐसा इसके इस ये इसका लाइन ऑफ सिमेट रहेगा, यहां से यहां का डिस्टेंस है r और ये यहां पे इसका जो अपना रेडियस है दैट इज 2r.
ये तो पूरी तो लेंथ है, लेंथ को सपोज मैंने बोल दिया एल, मान लो पूरे मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है के, तुमसे पूछा है फाइंड आर इक्विवेलेंट, कैसे करोगे? एलिमेंट क्या आएगा इसके अंदर? डिस्क। तो देखो हम क्या करेंगे, यहां से आगे जाएंगे, ठीक है, ये लो, ये इसको बोल दिया मान लो x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो से x डिस्टेंस में आगे गया, x डिस्टेंस आगे गया और मैंने एक ये एलिमेंट ले लिया, अब ये भी क्या है, एक वो है, क्या बोलते हैं, डिस्क। अब मुझे इसका और रेडियस चाहिए भाई, क्योंकि मुझे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है ना, तो देखो यहां से यहां का डिस्टेंस तो कितना बन जाएगा आर, ये जो है ये एंगल थीटा, तो ये तो तुम्हारे पास में आएगा, ये डिस्टेंस है एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स टेन थीटा, एंड वेयर टेन थीटा इज कॉन्स्टेंट, आई नो टेन थीटा इज आर बाई एल, देखो ना यहां से यहां का डिस्टेंस आर है तो ऊपर वाला भी कितना बचेगा आर, तो आर इज द परपेंडिकुलर बेसिस एल, तो इस छोटे से का जो अपना डी आर आएगा वो क्या बन जाएगा, लेंथ कितना है इसका, ये वाला डी एक्स, जिसमें से हीट तुम्हारा फ्लो हो रहा है, तो क्या बन जाएगा डी एक्स अपॉन के ए, के तो कॉन्स्टेंट है ए, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है आर प्लस एक्स टेन थीटा का, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि सारे के सारे किसमें हैं, सीरीज में, कर लोगे आप? हाँ अब इसके आगे हो जाएगा 1 by x square है, क्या होता है इंटीग्रेशन 1 by x square का, अरे हो के सो गए सब, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, पार्थ सब भूल गए, हाँ इसके आगे हो जाएगा, हाँ सर tan थीटा को r by l डाल के r कॉमन ले लेंगे तो हाँ मतलब थोड़ा और सिंपलीफाई हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है ना उसको अपने आखिरी के अंदर डालना भाई, 1 अपॉन k पाई 1 by r स्क्वायर का एंट्री होता है माइनस 1 by x, ठीक है, तो माइनस 1 by r प्लस x tan थीटा, ठीक है, और जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो कहां पे आता है, डिनोमिनेटर में, तो ये लो डिनोमिनेटर में उसको लेके आ गए, तो 1 अपॉन tan थीटा, अब लगा दो लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन k पाई tan थीटा, ठीक है, पहले मैंने डाला l डाल दिया तो क्या आएगा l, l tan थीटा क्या है 2R, ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारे पास है माइनस वन अपॉन टू आर प्लस वन बाई आर, तो ये बन जाएगा वन अपॉन के पाई, और इसकी वैल्यू क्या है टेन थीटा की वैल्यू आर बाई एल, और ये माइनस वन अपॉन टू आर से ये हो जाएगा, तो एल अपॉन 2k पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास में बन गया रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस जो भी है सिस्टम, कर लेंगे भाई, हम बोलेंगे कि जो भी हीट स्टार्टिंग पॉइंट से मिड पॉइंट तक जा रही है उतनी ही हीट स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जा रही है, तो जो हमने पहले वाले फॉर्मूला लगाए थे उसी के बेसिस पर हो जाएगा, फाइन,
हाँ सर, सर इसमें आर इक्विवेलेंट का मतलब समझा सकते हैं? मतलब जैसे वो रॉड्स में रिप्लेस करते थे हम इसमें? नहीं नहीं इसके अंदर कोई मतलब नहीं। फिर तो मुझे बोलोगे कि अगर मैं यहाँ पे तुमने लगा दिया एक टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर तुम्हारा T2 है, तो हीट फ्लो कितना हो जाएगा? T2 - T1/R। ओके ठीक है, तो मतलब इसमें से इतना हीट फ्लो होएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं सीरीज के, ये हमारे पास में एक वो है ना सर्कल है, दो सपोज यहां से यहां का जो तुमको अपने रेडियस दिया हुआ है दैट इज आर वन, और यहां से यहां तक का रेडियस दिया हुआ है आर टू। यहां का जो है मटेरियल, वो मटेरियल तुम्हारा फिल है, बाकी पूरा खाली। और इसका तुमको ये दिया हुआ ना कंडक्टिविटी दिया हुआ है। अब हमने अंदर एक पावर सोर्स रखा हुआ है बी। पावर सोर्स का मतलब क्या हुआ? ये जो सोर्स है इतनी पावर एमिट कर रहा, अंदर की सरफेस का टेम्परेचर है T1, बाहर की सरफेस का टेम्परेचर है T2। सपोज T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट फ्लो कहां से कहां की तरफ होगा? दस। तो हमें निकालना है कि अगर ये पावर सोर्स P है तो मुझे मुझसे पूछा है फाइंड पावर P सच दैट T1 and T2 are constant, ठीक है? And find temperature as function of x, where x belong to R1 से R2, R1 से R2 के बीच में है। चलो करो, सोचो कैसे करोगे।
हाँ भाई बताओ क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट आ गया इसका? संचय तुलिका अरे बोलो तरुण सर अभी हाँ बताओ कैसे करोगे? तो पहले देखना है कि तुम्हारा हीट का जो फ्लो है वो कौन से अपने उसमें हो रहा है, डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये सोर्स है तो हीट यहां से यहां जा रही है इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले रहा हूं, जो भी मेरा एक स्फेरिकल एलिमेंट आएगा ये वाला जो मैंने अपने ब्लैक कलर का बनाया डॉट डॉट, ठीक है, इसके आगे आने वाली जो भी स्फेरिकल शेल आएंगी, ऑल शेल आर इन सीरीज और पैरेलल? हाँ पैरेलल। बेवकूफो ये बताओ, ये मैंने सीरीज, ये देखो ये एक लेयर है, ठीक है, इसके आगे एक और लेयर है, जो हीट इसमें से गई वही हीट उसके अंदर से गई ना, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सीरीज। ओके, तो यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक मैंने dx से विड्थ का ये ले लिया, तो हीट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है dx, तो छोटा सा जो मेरा है ना रेजिस्टेंस आएगा, सपोज उसको मैंने बोल दिया dz, स्मॉल रेजिस्टेंस dz, वो क्या बन जाएगा? ऊपर तो आता है लेंथ, तो ये तो बन गया लेंथ, नीचे क्या आता है? कंडक्टिविटी इनटू एरिया, कितना एरिया है? अगर x रेडियस का एक स्फीयर बना हुआ है, हर पॉइंट से हीट बाहर जाने वाली है, तो 4 पाई x स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि सारे की सारी जो लेयर है दो आर इन सीरीज, तो मेरे पास जो ये बनेगा z वो बन जाएगा, अब देखो यहां पर लगाता हूं लिमिट, पहले मैं कैलकुलेट करता हूं कि z कहां से कहां तक, r1 से r2 तक, तो क्या बन जाएगा r1 से r2 dx अपॉन 4 पाई k x स्क्वायर, क्या आएगा आंसर बताओ? वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, लिमिट लगा देंगे। अब अगर मैं z निकालूं कहां से कहां तक, r1 से x, मतलब वो था ना कि किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर निकालना है, तो मेरे पास जो लिमिट आएगी दैट विल बी r1 से x dx अपॉन 4 पाई के x स्क्वायर, सो दैट विल बिकम 1 अपॉन 4 पाई के 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन x। अब कर दोगे? हाँ भाई dq by dt क्या आएगा? dq by dt बन जाएगा t1 minus t2 upon z 1 upon 4 z upon r1 से r2 वाला वाला। और ये तो dq by dt है, यही मेरा पावर है कि जितना पावर मैं अंदर से प्रोड्यूस कर रहा हूं पूरा का पूरा पावर बाहर जा रहा है, कि कहीं पे भी कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है, दैट मींस टेम्परेचर ऑफ एवरी पॉइंट is constant, all are in thermal equilibrium, ठीक है। अगर तुमको किसी पॉइंट का टेम्परेचर निकालना हो तो क्या कर दोगे? तो ये लिखोगे t1 minus tx upon z, कहां से कहां तक? r1 से x वाला। तो ये जो चीज है ये तो यूनिवर्सल है हर चीज के अंदर, चाहे तुम्हारा कैसा भी तुम्हारा रेजिस्टेंस हो तुमको ऐसा ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है? यस।
तो ये काफी सारे अपने एग्जांपल होते हैं सीरीज के, ठीक है। तो अभी एक मुझे सिंपल सी चीज बताओ, अब तुमने तो इतना फील किया नहीं होगा, विंटर्स के अंदर जब बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो फिर तुम कपड़े पहनते हो बहुत सारे, तो कौन सी चीज ज्यादा बेनिफिशियल है, एक है मोटा कपड़ा पहनना रादर देन तीन या चार पतले कपड़े पहनना, कौन सा ज्यादा हेल्पफुल है? सपोज ये हमारे पास में जो हमारा वो जो है बॉडी है, सपोज ये सपोज अंदर रूम है और ये हमारे पास में आउटसाइड, तो ऑब्वियसली आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो मान लो T1 है, ये T2 है, हम चाहेंगे ना कि बाहर का टेम्परेचर अंदर ना आए, तो कौन सी चीज ज्यादा बेनिफिशियल है, मोर लेयर बनाना या फिर कम लेयर बनाना? सर ज्यादा बनाना, ज्यादा लेयर बनाना। ऐसे अगर तुमने ज्यादा कपड़े पहने हुए हैं तो वो पता कि कैसे बन जाता है, सपोज एक यहाँ पे तुम्हारा कपड़ा आ गया, ठीक है, फिर बीच के अंदर में हवा आ गई थोड़ी सी, वही हवा की फिर हवा आ गई, फिर ये तुम्हारा एक और लेयर आ गया, ठीक है, फिर हमारे पास में एक और हवा आ गई, फिर ये हो गया, तो ये सारे के सारे किस्में बन गए सीरीज। और एयर का जो होता है ना रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है, तो हम बोलते हैं फॉर एयर जो कंडक्टिविटी है दैट इज वेरी लो, कंडक्टिविटी लो है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है ये ज्यादा हो जाएगा, हीट का फ्लो कम होएगा, हीट का फ्लो कम होएगा तो हमको ज्यादा जो कहते हैं ठंडी है वो कम लगेगी, लेकिन अगर हमने पूरा एक ही कपड़ा पहन लिया, ठीक है, ये पूरा एक ही पहन लिया तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा रहती है ना, तो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है। तो अगर तुमको सेम एंड मटेरियल के भी कपड़े पहनने हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर बना के पहनो, दैट इज मोर बेनिफिशियल। ठीक है, हाँ भाई, यस हाँ। तो सीरीज के अंदर के एग्जांपल जैसे ज्यादा होते हैं, पैरेलल के अंदर कोई इतने अच्छे एग्जांपल बनते नहीं है, मतलब क्या वो ये पता है कि कैसे एग्जांपल बनेंगे पैरेलल में, सपोज सपोज यहाँ पे तुमको एक 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है कॉन्स्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और ये भी कॉन्स्टेंट रखा हुआ है समहाउ, ठीक है, ओके। पहले हमने दिया कि एक हमने ये लगा दिया रॉड, ये रोड लगा दिया, ठीक है, ये मैंने बोला वन रोड लगाया, तो मैंने बोला कि केस वन के अंदर एम आइस मेल्ट्स इन टाइम टी वन टाइम के अंदर जो हमारा है एम मास हमारा क्या हुआ ना मेल्ट हो गया, ठीक है, एम आइस मेल्ट इन टाइम, फिर हमने एक रोड और लगाया, जब टू लगाया तो मैंने बोला कि 2m आइस मेल्ट्स इन टाइम T1, ठीक है, या फिर ये कर दो कि एम मास ही मेल्ट हुआ इन टाइम ऑफ T2। अब हमने 1+2 को एक साथ लगा दिया तो फाइन टाइम टू मेल्ट मास एम, बताओ कितना टाइम लगेगा, आइस मेल्ट कैसे होएगी, dQ/dt, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, जब मैं दोनों रोड को पैरेलल में लगा दूंगा, ये जो रोड है वो दोनों किसमें है पैरेलल में है ना, तो दोनों को अगर पैरेलल में लगा दूंगा तो जो हीट ट्रांसफर होगा वो फास्ट होगा, हीट ट्रांसफर फास्ट होगा तो मेरे पास जो आइस मेल्ट होगी वो भी फास्ट होगी, तो बताओ कितना टाइम लगेगा,
हाँ भाई बताओ। प्रतीक्षा yes, क्या आंसर आएगा? तुम लोग यार चुपचाप क्यों बैठे रहते हो, बोलते नहीं हो। आशुतोष आशुतोष yes, अभी कभी तो बोला कर, क्या आंसर आएगा? करोगे कैसे अप्रोच तो बताओ। सम्यक महक महक तो देखो पहले वाले केस के अंदर सपोज हम बोलूं कि dq by dt 1, ठीक है, तो वो बन जाएगा रेट। तो मैं कह सकता हूं कि पहले वाले केस के अंदर पावर इंटू टाइम होता है एनर्जी, तो dq by dt 1 इंटू T1 should be equal to M, ठीक है, into L F fusion. Second वाले time में क्या बन जाएगा? dQ by dt 2 into T2 इतना equal to M into L F. Third वाले time में अगर दोनों को उसमें लगा दूंगा ना, series में लगा दूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा dQ by dt 3 into T should be equal to M into LF. अब मुझे रिप्लेस करना है dq by dt को, तो dq by dt 1, तो ये तो मेरे पास बन जाएगा डेल्टा t अपॉन r1, dq by dt 2 बन जाएगा डेल्टा t अपॉन r2, और जो dq by d3 है ये बन जाएगा डेल्टा t 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, क्योंकि हमारे जो है ना रेजिस्टेंस होते हैं इनवर्सली ऐड हो जाते हैं। अब दोनों इक्वेशन से 1 by R1 1 by R2 की वैल्यू पुट कर दो और उसको यहां पुट कर दो, फिर तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा कि 1 by T equal to 1 by T1 plus 1 by T2। ठीक है, तो अभी के लिए होमवर्क सीरीज एंड पैरेलल वाले जो क्वेश्चन है ना वो सारे करना जो अपने ने उसके अंदर। हाँ कहाँ से करें सर? हाँ कहाँ से करना है सर? कहाँ से प्रैक्टिस करें सीरीज एंड पैरेलल के? जो मैंने अपने दिया हुआ ना पीडीएफ दिया हुआ है तुमको, ग्रुप पे डाला था। ओके सर, है ना, तो उसमें से कर लो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा भाई अपना ये कंडक्शन, फिर अपना वो स्टार्ट हो जाएगा रेडिएशन। और थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहा करो यार, तुम लोग तो चुपचाप क्यों बैठे रहते हो, क्या प्रॉब्लम है? आर्यन यस सर क्यों